जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो सुबह हो गई है और मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के, लेकिन पहले सोचा मैं दूध बॉईल करने रख देती हूँ और इन लोगों को बाद में उठाऊँगी। तो आज मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे जो कि इनके थोड़े दिन से पड़े हुए थे और हमारे भी थे एक थोड़े बहुत। तो मैंने सोचा पहले कपड़े डालती हूँ फिर इन लोगों को उठाती हूँ, क्योंकि बाकी के और काम अभी करने के रह गए हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े अपने डाल के पहुँच गए रूम में। तो यहाँ देखो सब अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई यहाँ लुढ़कता है कोई वहाँ लुढ़कता है। सुबह यही हाल है घर का। मैं सोच रही हूँ नवरात्रि में अब कन्या भोज यहीं पे करा देती हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ तो यहीं करा देती हूँ। वैसे चैत्र वाली भी मेरी यहीं फंसी थी, तो मैंने घर पे तो नहीं कराया था, लेकिन वहाँ मंदिर में ले जाके और कन्याओं को प्रसाद दिया था। तो कई लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी आपने घर में क्यों नहीं बिठा ले करके। तो मैं सोच रही हूँ अब इस बार घर पर ही बुला लूँगी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं क्लीन करने के लिए। ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं कर रही, सिर्फ कपड़े वगैरह समेट के रखूँगी, आराम से यहाँ का समेटूँगी, जाने से पहले करूँगी। क्योंकि क्या होता है मैं अभी कर दूँगी फिर 2 दिन बाद वही हो जाएगा, इससे अच्छा कि मैं जाने से पहले कर दूँगी तो फिर सही रहेगा, मेरे को दिखेगा भी नहीं फैला हुआ। तो यहाँ आ गई किचन में, अब बच्चों लोग को उठा दिया है मैंने और दूध तो बॉईल हो गया और दूध आ भी गया। तो रात का था वो मैंने सुबह बॉईल करने रख दिया था और अभी भैया ने दे के चले गए। यहाँ हम मूंगफली लेके आए थे पर मैंने उबाली नहीं थी, नमक डाल के रख दिया इसको पानी के साथ उबलने के लिए। टेस्टी लगती है बहुत खाने में उबली वाली। और फिर इन लोगों को बुला ब्रश वगैरह करने के लिए, तो सब बैठे हुए हैं ब्रश करके। तो बच्चों को खाना था दूध और ब्रेड। मैं कम शक्कर डालती हूँ दूध में, पर ब्रेड ऐसे लगा के दे दो ना बहुत टेस्टी लगती है दूध ब्रेड खाने में। वैसे तो मुझे भी पसंद है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक साइड पर मेरी बन रही है चाय अदरक वाली, और इनको भी उठा दिया है और बच्चों को भी। तो ये हो गया बन के रेडी और अब मैं सबको दे दूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी चाय, इनकी चाय और बच्चों का मिल्क रेडी कर लिया है और अब आराम से बैठ के सब पी लेंगे, फिर करूँगी घर के काम। समेट लिया मैंने, बस झाड़ू पोछा रह गया है और खाना पीना फिर आराम से बनाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ब्रेड वगैरह या कुछ भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना तो बच्चे लोग को जल्दी भूख नहीं लगती। तो ये सब करने के बाद मैं लगाती हूँ अपने घर का झाड़ू वगैरह। और यहाँ मेरा झाड़ू लग के हो गया था कम्प्लीट, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत समेट भी लो जो इन लोग रोज़ फैला ही देते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ मैंने समेट के और अपना झाड़ू वगैरह कर लिया कंप्लीट और इसके बाद अब मैं करूँगी पोछा। तो झाड़ू लग गया था और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। कितना भी कर लो, अगर आप डेली भी कर रहे हो ना तो भी सुबह शाम तक वैसा का वैसा ही दिखता है। फिर मैंने पूजा पाठ भी कर ली अपनी, थोड़ी बहुत है, थोड़े से ही भगवान जी हैं लेकिन सब एक ही हैं। तो उनके सामने दिया वगैरह लगा लो, अपनी प्रार्थना कर लो, वो ही बहुत होता है। फिर मंदिर वगैरह हम शाम को चले जाते हैं, सुबह जैसे इनको साइड जाना होता है टाइम नहीं रहता तो फिर हम शाम को ही निकल जाते हैं। तो ये तो चले गए वैसे नाश्ता करके, बस मुझे खाने की तैयारी करना था। तो ये बॉयल हो गई मूँगफली, इसको साइड किया और सब्जी भाजी मैंने काट ली है तो ये रख लूँगी और बनाऊँगी सब्जी। वैसे तो मैंने पत्ता गोभी भी लेके आ गई थी कि पत्ता गोभी बनाऊँगी, लेकिन इन लोगों को था कि इन लोगों को भट्टे की सब्जी खाना है। तो अब हम 3-4 लोग ही हैं तो वैसे तो रस वाली पसंद है लेकिन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब भट्टे ध्यान नहीं था, मैंने आधा किलो ले के आ गई। अब इसमें मैं अगर ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँगी तो क्या ही इतनी सारी हो जाएगी, कैसे ख़त्म होगी भगवान जाने। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी चिपचिपी बना लूँगी, ज़्यादा ग्रेवी ना रहे जिसमें। तो मैंने प्याज अदरक लहसुन डाला और उसके बाद मसाले ऐड करके और इसमें टमाटर ऐड किया है। कुकर में सब्जी बनाओ बहुत टेस्टी बनती है, कढ़ाई से ज़्यादा कुकर की सब्जी अच्छी लगती है। और एक साइड पे मैंने चावल भी धो के रख लेती हूँ, क्योंकि हमें छोटे वाले चावल पसंद है लेकिन यहाँ पे इनने बड़े वाले चावल लेके आ गए हैं, अब वही बनाना पड़ता है। तो इनको क्या धो के थोड़ी देर भिगो दो ना तो फिर पतले पतले बनते हैं, और अगर तुरंत धो के बनाओ तो थोड़े से मोटे बनते हैं। इसलिए मैंने धो के इनको साइड रख दिया है और सब्जी भी मैंने ढक दी थी। बस इसमें 2 सीटी लगाएंगे तो पक जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छे से भुन गई है। हल्का सा पानी डाला कि चिपचिपी रहे सब्जी, और एक कुकर में सीटी लगा दी मैंने। और एक साइड पे मैं सलाद भी रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि ये आते ही होंगे थोड़ी देर में तो फिर हम खाना पीना खाएंगे। तो यहाँ मैंने सब्जी हो गई थी तो इसको किया साइड और अब इसमें मैं रख दूँगी चावल।
चावल चढ़ाते चढ़ाते मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार रोटियां भी बना ही लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो बना लो रोटी। थोड़ा बहुत आटा लगाया मैंने और फटाफट से रोटियां भी सेक ली, और ये सब्जी देखो क्या मस्त दिख रही है, एकदम गजब। खाने का बहुत मन कर रहा था, फिर मेरे को पता चला चलो इनकी आवाज़ आ गई कि ये भी आ गए हैं, तो फटाफट मैं आ गई थाली वगैरह लेके, सैलेड काट के, और ये लगा ली मैंने थाली। तो ये जो चने की सब्जी है और दाल है, तो ये सब कल शाम को मैंने बनाया था, तो थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा चलो लगा ही देते हैं थाली में। सबका खाना पीना हो गया, तो लास्ट बचता है किचन क्लीन करना और बर्तन। तो किचन तो क्लीन कर लिया, अब बर्तन थे तो मैंने सोचा अभी कल करके रख लेते हैं, तो यहाँ से मैं कर लूँगी सब क्लीन और हो जाऊँगी फ्री। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।